धेरै नै मिल्ने साथी थियो। अब हुन त हामीहरूको अब लगभग 2 वर्ष यहाँ बसियो कार्यक्षेत्र सुनवर्सी नगरपालिका बस्दा बस्दै गर्दा पनि उहाँ मेरो एकदमै मिल्ने साथी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ मुस्लिम हुनु चाहिँ म चाहिँ अब हिन्दू भनौँ न क्षेत्रीय हो, म पहाडी मान्छे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। गाइस उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर से हुसैन उल्टी बात में आपका खुश आमदीद है। दोस्तों कंबल से निकलने का दिल ही नहीं कर रहा, और कल से लेकर आज तक 2 लोगों की मौत की खबरें सुन चुका हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह तबारक व तआला उन दोनों की मगफरत फरमाए। दोस्तों आए दिन मौत की खबरें सुनते रहते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद फिर कुछ काम में नाश्ता वास्ता करेंगे, उसके बाद फिर बात करेंगे आप लोग। दोस्तों फरेशन अब हो चुका हूँ और अपने तमाम काम से फारिग होकर अब दुकान की तरफ जा रहा हूँ आस्ते आस्ते। चलिए अब मिलते हैं दुकान पे ही। दोस्तों अभी शाम हो चुकी है, मैं अभी तक दुकान में हूँ। आज मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो मेरा दोस्त करण है वो कल घर जाने वाला है। फाइनली उसका मतलब विदाई सिदाई सब हो चुके हैं उनके ऑफिस से, तो मैं सोच रहा हूँ कि जा रहा हूँ उनसे मिलूँगा, उनके साथ कुछ बातचीत भी करूँगा। मैं दुकान बंद कर लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह चलेंगे वहाँ और उनसे बात करते हैं। लास्ट दिन है उनका घर जाने के लिए। यहाँ से हमारे घर से 3 दिन का रास्ता है, पश्चिम नेपाल उसका घर पड़ता है। तो लीजिए दोस्तों दुकान बढ़ते हैं, उसके बाद मिलते हैं। दोस्तों मैं आ चुका हूँ, करण जो दोस्त है मेरा वह कल जाने वाला है यहाँ से, तो मैं सोचा चलो मुलाकात कर लेता हूँ क्योंकि वो सुबह ही जाने वाला है, तो इसलिए मैं आया यहाँ पर, फ्रेश हो गया हूँ। अब ये है करण। क्या करण क्या हाल है वह? ठीक है, आप बताओ क्या है? तो तुम चले जाओगे छोड़ के मुझे? ए यार क्या यार, याद है, मिस नहीं करोगे तुम मुझे? बहुत मिस करेगा यार। अच्छा खैर, लेकिन मैं इंशाल्लाह सोच रहा हूँ काठमांडू, वहाँ से आपका घर से कितना करीब है? काठमांडू से मेरा घर पहुँचने के लिए तो लाएगा 2 दिन। काठमांडू से 2 दिन और लगेगा? हाँ 2 दिन और लाएगा काठमांडू। देखिए दोस्तों यहाँ से हम लोग जब काठमांडू जाते हैं तो 12 या 14 घंटा लग जाता है, 14 घंटा वहाँ काठमांडू से भी उनका पश्चिम नेपाल, वहाँ से भी 2 दिन लगेगा मुझे जाने के लिए। तो ठीक है मैं इंशाल्लाह काठमांडू आऊँगा ना। क्या इसमें क्या है? इसमें दूध है ना? इसमें चाय पत्ती है, चीनी है, मैं लेके आया था। मैं सोचा कि आप वही पीते हैं क्योंकि दुकान पे तो नहीं पिला सके, ये इंशाल्लाह खाएंगे पियेंगे उसके बाद फिर घर चलेंगे। उसके बाद घर चलेंगे। आज देरी बैठो ना, ठीक है यहाँ बैठूंगा आज, वहाँ पढ़ाने भी जाना है ना। ये मेरा करण दोस्त। चलिए अभी हम, क्योंकि अभी चौमिन तौमिन हमें ही बनाना पड़ेगा। कभी कभी मैं आता था यहाँ तो ये लाता था, वो मतलब क्या बोलते उसको, क्या बोलते हो, चोचो, ये चोचो खरीद के लाता था। तो ये बोलता था कि अनवर आना तुम आज बनाना चोचो, इनको उतना अच्छा नहीं बनाना आता। तो चल रहा हूँ अब वहाँ बनाऊँगा, चोचो भी बनाऊँगा, चाय भी बनाऊँगा, उसके बाद पीऊँगा खाऊँगा, उसके बाद फिर चलूँगा। क्यों करण? ठीक है जब तक तुम काम करो, ठीक है हम चोचो तो बनाते हैं। इधर ही देखो करण कपड़ा तपड़ा सब समेट रहा था, मैं जब आया था समेट लिया है बंदा। अब मैं तो कह रहा हूँ कि मत जाओ यार तुम तो, लेकिन ये मानने वाला है नहीं। तो दोस्तों लीजिए चलते हैं वहाँ किचन रूम। किचन रूम में चाउमीन बनाते हैं, चाय बनाते हैं, उसके बाद फिर खाएंगे पियेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे। ये देखिए किचन रूम में कौन है, ये किचन रूम में है, मैं ही बनाऊंगा चोचो, थोड़ा चेहरा दिखा दो भाई। नमस्कार, सेवा सेवा। तो दोस्तों लीजिए हम बनाते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। दोस्तों ये प्याज देखो आप काट रहा हूँ, ठीक है ना, प्याज ये सब काटेंगे, उसके बाद चौमिन बनाएंगे बहुत मस्त तरीके से। आप भी देख लीजिए हमारे दोस्त जा रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा उनको दावत तो नहीं कर सका। मैं बोला था उनको कि आप जाओगे तो एक दिन पहले बोलना। ये इतना नालायक है, इतना नालायक है कि उसने मुझे बोला नहीं, तो अभी वो कल जाएगा बोल रहा है कि चलूंगा, इसलिए मैं सोचा चलो कुछ कर लेंगे। नालायक है। और अनवर भाई कट डाउन बोलिए।
यहाँ गाइज तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रा वरिष्ठ कुकिस्ट अनुहार भाइ छन्। प्याज कटाइ अलग्गै छ, बेग्लै पारेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। केही छैन यहाँ दोस्तों, ये देख रहे हैं, ये अभी न्यू चौचौ आया है नेपाल में। इसका प्राइस है 50 रुपीस, यानी 50 रुपये है। अब पता नहीं कैसा है, आज मैं पहली बार टेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद एक ये लिया था, ये भी नया पैक आया है नेपाल में, इससे पहले था नहीं, ये पहली बार आया है। देखते हैं, इसको भी ट्राई करते हैं। कौन दो सौ अरे बड़े ये देखिए कितना बड़ा पैकेट है। देखते हैं कि इसकी क्या खसूसियत है। बोल रहा है कि बहुत अच्छा है, ट्राई करते हैं। वाकई में इसका देखिए ये सब सामान आया है, मस्त है। देखिए करंट अभी छोटा पैक में देखते हैं। इसमें तो वही पुराना जो छोटा पैक है वही है, लेकिन इसमें धमाका तो बड़ा दिख रहा है। देखते हैं कैसा लग रहा है खा के। देखिए अब तैयार हो रहा है, इंशाल्लाह उसके बाद खाएंगे हम लोग। ये कितना ज़बरदस्त कलर आया है, और इसका देखिए चाउमीन, ये देखिए 50 रुपये वाला जो था ये बिल्कुल वाइट में आया है, अभी नया आया हुआ है मार्केट में, नया लॉन्च हुआ है। इसके बाद ये पुराना जो खाते आ रहे हैं वही है, लेकिन ये वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें, ये प्लास्टिक देख रहे हैं, इसमें कुछ नई नई चीज़ें ऐड किया है कंपनी ने। दोस्तों लीजिए, अब इंशाल्लाह खाने के बाद मिलते हैं। दोस्तों देखिए चाउमीन हो चुका है तैयार, अब इस पे देखिए दूध या चाय बनाएंगे। दोस्त देखिए तैयार हो चुका है, अब खाया जाएगा। राम राम रो सच्चे दोस्तों, बहुत मजा आया खाने में, रियली बोल। दोस्तों लीजिए चाय भी रेडी है, लेकिन एक चीज़ की कमी है, चाय में जो ना चाय पत्ती अच्छी नहीं मिल पाई, इस वजह से चाय इतनी अच्छी नहीं आ रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चाउमीन जो हम लोगों ने खाया बहुत ही ज़बरदस्त है, इंटरेस्टिंग। अब 50 रुपये का जो चौचौ है वो लेके एक बार खाइए। दोस्तों मैं तमाम कामों से मतलब खा भी लिया, चाय भी पी लिया, लास्ट में आप क्या कुछ हमारे व्यूअर्सहरूलाई केही भन्न चाहन्छु त भन्नुहोस्। अब यो धेरै नै मिल्ने साथी थियो, अब हुन त हामीहरूको अब लगभग 2 वर्ष यहाँ बसियो कार्यक्षेत्र सुनबर्सी नगरपालिकामा बस्दा बस्दै गर्दा पनि उहाँ मेरो एकदमै मिल्ने साथी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ मुस्लिम हुनु चाहिँ, म चाहिँ अब हिन्दू भनौँ न, क्षेत्री हो, म पहाडी मान्छे। तर पनि हाम्रो एकदम फ्रेन्डसिप चाहिँ अब 2 वर्ष सँगसँगै लगभग सँगै बसियो, हाँसियो, खेलियो, होइन, एकदमै राम्रो रमाइलो मान्छे हुनुहुन्छ। उहाँ पनि एकदमै मिल्ने खालको हुनुहुन्थ्यो। ठिक छ, धन्यवाद त्यहाँ अब सुनबर्सी नगरपालिका सम्पूर्णलाई, फेरि पनि यहाँ भएको साथीहरूलाई धेरै धेरै सम्झिन चाहन्छु, धन्यवाद। दोस्तों लीजिए अब हम चलते हैं। अब मैं दिल की बात क्या बताऊंगा, मैं तो क्या बताता हूं कि यहां से जाने का दिल नहीं कर रहा है। वो भी बोल रहा है कि यार यहां मैं छोड़ रहा हूं इस जगह को, तो अजीब लग रहा है। जाहिर सी बात है जहां लोग रहे और वहां से जब वो जाता है तो काफ़ी मतलब थोड़ी सी अंदर से दिल टूटा हुआ रहता है, जाने का दिल नहीं करता है। तो ठीक है करण, ओके ठीक है,
फिर भी हमारा फ्रेंडशिप ओरिवर। थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्त, मैं घर आ चुका हूँ, अब बस वीडियो एडिटिंग करना है और डालना है। दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे वैसेनिटी बात को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आपकी मोहब्बत और मोहब्बतों की ज़रूरत है। इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू आता रहूँगा और कुछ ना कुछ नई बात आप तक शेयर करता रहूँगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही है और इंशाल्लाह अब नए ब्लॉग और नई वीडियो में एक नया जज्बा और नई सोच और नए फिक्र के साथ आपसे फिर मिलूँगा। अल्लाह हाफिज़।